बनारस के घाट से काफी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ मिल रहा है। वहाँ पे तो इतना ट्रैफिक रहता है भाई, पानी में भी इतने ज्यादा नाव वगैरह रहते हैं, यहाँ पे भाई एकदम खाली है। रुको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक नाव नहीं है, पूरे पानी में इकलौती हम लोग की नाव है। काफी देर हम लोग घूमने के बाद देखिए आप लोग, मौसम काफी अच्छा हो गया है जब तक हम लोग घूम रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं दीवान घाट पे घूमने। पानी में भाई थोड़ी देर सब लोग ऐसे टहलेंगे, काफी मजा आएगा। चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। बता रहे 50 रुपये सबका लेंगे, तो हम लोग 5 लोग हैं, 250 रुपये लगेगा। 250 में तो नया नाव आ जाएगा अंकल जी। सबका हवाई जहाज रहता है, नाव से घुमाते हैं 250 में। क्या किया जाए, क्या किया जाए, पानी में काफी देर खेलने के बाद हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने। अंकल जी कैसे रुपए लेंगे बताइए, बात हो गया। चलो आप लोग एकदम विंध्याचल को बीच से दिखाते हैं पानी से। तो गाइस आज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे विंध्याचल में बोटिंग करने। घर वाले मना करते लेकिन तो भी हम लोग आ गए। भैया ट्रैफिक लग रही है, गाड़ी आगे बढ़ाइए। अरे 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 अरे, से बोल रहे इधर इधर बीच में बैठो, तुम बीच में बीच में। अरे जान, तू कंट्रोल करेंगे, उधर ही बैठ जा चुपचाप, जहां वो कोने में बैठे हम आगे बैठेंगे। यार मेरा मन वही बैठ, आओ तुम लोग यहाँ बैठ जाओ। बनारस के घाट से काफी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ मिल रहा है। वहाँ पे तो इतना ट्रैफिक रहता है भाई, पानी में भी इतने ज्यादा नाव वगैरह रहते हैं, यहाँ पे भाई एकदम खाली है। रुको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक नाव नहीं है, पूरे पानी में इकलौती हम लोग की नाव है, जो की अंकल जी हमारे चला रहे हैं। अंकल जी पर ऐसे कर दीजिए, ये हुई ना बात। देखो आप लोग, एक नाव नहीं है भाई पानी में चारों तरफ। वेदर देख लो आप लोग क्या हो रखा है, मस्त हो गया है भाई एकदम। भाई क्या मजा आ रहा है यार, लिटरली बता रहा, हिलो नहीं ज्यादा। आपको कैसा, आपको क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, प्लीज अंकल जी आपको कैसा लग रहा है नाव चला के, एक बार ऐसे, ये हुई ना बात। ये सन देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा लड़ाते हैं उससे, मजा आएगा। अरे वो कैमल का शूट करो ना, वो देखो कैमल। अरे यहाँ पे ऊंट भी है, रुको आप लोग को ऊंट दिखाता हूँ। गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं गंगा जी के इस पार। हर्ष भाई कौन बैठेगा इस पर, बैठाओगे क्या, बैठाएगा। ये फ्री में है क्या, ये फ्री में है क्या मेरे भाई, 100 रुपया सिर्फ फोटो खिंचवाना है। मालिक कब इतना खर्चा हो गया है तो एक मजाक कर रहे हैं। जीपे ले लो, नहीं लेता तो अरे अंकल जैसे नाव वाले अंकल। दो सुनो, कोई बात नहीं। नाम है इसका, नाम क्या है, इसका नाम है कालू, इसका नाम है मटरू, मटरू इसका नाम है और इसका नाम है कालू। कालू भाई इसका पंजा देखो, कालू इसका गाइस पंजा देखो आप लोग। कालू बेटे, कालू कालू इरिटेट हो रहा है मेरे से। वाला ऊंट जवान दिख रहा है मेरे को, ये वाला ऊंट देखो जवान दिख रहा है मेरे को। चलो बैठते बैठते, चलो भाई बैठो। कौन सा जवान ऊंट है ये बताइए,
बैठो ओम बोलो जल्दी। बुढ़ा उठ नहीं चाहिए, जवान उठ चाहिए। जवान है भैया, बैठो। चलो बैठोगे ना? चलो बैठो। तुम पैसा लाया कि नहीं? भैया भैया फोकस करने दो। भाई ओए भाई धीरे लेके चलो। इसका क्या नाम है? मठरू की क्या नाम है? मठरू नाम है ना भाई। ऊपर नीचे मत लेके चलो, सीधे सीधे लेके चलो। अरे यार ये लड़का है ये लड़की है भाई? अबे नहीं भाई गिरोगे नहीं लेकिन भाई। बताओ इसका क्या नाम है? मठरू है कि कल्लू है? राजा नाम है। राजा नाम है, मठरू नाम है। नाइस नेम, आई लव इट भाई। अयो हम लोग गाइस, हम लोग का उस पार जाने का सफर काफी अच्छा रहा। ऊंट भी चढ़े भाई, काफी मजा आया। मठरू के ऊपर हम लोग चढ़े थे। हर्ष भाई आपको डर लग रहा था कि नहीं? आप सही से बताइए। चढ़ा मैं भाई, मेरे को लग रही थी। वही बात बता रहा हूँ ना, इसको देखिए थोड़ा भी डर नहीं कि सब फोन गिर जाएगा। मैं जाऊंगा इसके पापा को ये ब्लॉग दिखाऊंगा। सो गाइस आज काफी ज्यादा मजा आया। अब आपका टाइम हो रहा है 7, हम लोग को वापस अब घर जाना पड़ेगा। घूम रहे कब से इधर उधर, अभी बोटिंग वगैरह सब किया, मंदिर भी आज गए घूमने। गंगा जी से आने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं हर्ष के नाना के यहाँ। उनके यहाँ गाँव में शीतला माता का उन्होंने मंदिर का एक निर्माण करवाया था, तो उसी में आज भंडारा है, तो हम लोग को वहाँ पे भी जाना है, तो वहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट भंडारे में। सो गाइस यहीं पे हमारे शीतला माता जी का मंदिर है, अभी हम लोग सब यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे कृष्ण जी और राधा जी हैं, और जस्ट हमारे बगल में हमारे बजरंगबली हनुमान जी, अभी यहाँ पे लाइट चला गया है। यहाँ पे आरती वगैरह सब हो गया, यहाँ पे हम लोग प्रसाद वगैरह सब ग्रहण कर लिया है।
अब यहाँ से हम लोग निकल रहे घर, आप लोग एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप बताएंगे कि मैं बताऊँ? आप बताइए भाई। जो आपको शहर में आपको पीसफुली आप लाइफ जी रहे हो, अगर आप गांव में आओगे उसका आपको 10x मिल जाएगा पूरा। मगर यहाँ पे आपका गांव पे आओगे आपको जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा, यहाँ का इन्वायरमेंट आपको ऐसा मिलेगा, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ मिलता है, एकदम शांति रहता है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं। अभी पीछे जनरेटर चल रहा है क्योंकि लाइट नहीं आ रहा था मंदिर में, अभी उसके लिए जनरेटर भी चल रहा था। तो यहाँ से चलते हैं घर, मगर यहाँ गाँव बहुत बेस्ट जगह है।